हार्डवेयर से जो है हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आती है। अब समस्या कहाँ से आती है, एरर वगैरह जो होता है वो शो करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कोई भी लाइन ब्रेक हो जाती है इनमें। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेटा क्लॉक की लाइन चेक करते हैं तो आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैंग ऑन लोगो, यानी कि जो फ़ोन को ऑन करने पर सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एमआई आप ऑन करते हैं और वो अपने लोगो पर ही दिखाई देता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। तो ये समस्या जो होती है वो दो तरीके से आती है। तो पहली प्रॉब्लम है हार्डवेयर से भी समस्या ये आती है और सॉफ्टवेयर से भी ये समस्या आती है। बट आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि हार्डवेयर से अगर हैंग ऑन लोगों की समस्या आती है तो उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। ओके, कई बार हमारे पास समस्या ऐसी आती है, जैसे वीवो के कुछ फ़ोन जो न्यू सिक्योरिटी वाले हैं उनको जब हम उनको अनलॉक करते हैं उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं या फिर फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे रुक जाते हैं। इसके बाद जियो का आपने देखा होगा, जियो का मोबाइल जो आता है B320B, उसमें भी अगर आप माइक चेंज करते हैं, माइक चेंज करने के टाइम आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों या डेड हो जाता है। इसके बाद अदर हार्डवेयर से जो है हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आती है। अब समस्या कहाँ से आती है इसको समझते हैं। और जियो के फ़ोन में या वीवो के फ़ोन के अंदर अनलॉकिंग करने के टाइम फ़ोन डेड या हैंग ऑन लोगों क्यों होता है, माइक चेंज करने पे जियो के फ़ोन के अंदर फ़ोन आपका हैंग ऑन लोगों या डेड क्यों होता है। ओके, तो उसको समझने के लिए पहले हमको चीज़ें समझना पड़ेगा कि ये वर्किंग सिस्टम क्या होता है। ओके, तो आप लोग जानते हैं CPU यानी होस्ट CPU, पावर IC, चार्जिंग IC, EMMC, WTR, सेंसर और भी अदर ICs। ओके, कई सारी ICs होती हैं, उनके अंदर किस तरह का कनेक्शन होता है, क्या चीज़ें हमें चेक करनी रहती हैं। तो जो भी इनके कनेक्शन हैं उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं, फिर हम लोग ये जानेंगे कि तो जियो में या वीवो के फ़ोन डेड क्यों होते हैं। ओके, और आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, कि ताकि फालतू की चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल ना आए, बस जितना बताया जाए उतना ही समझने की ज़रूरत है। और हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे आती है और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये जो CPU होता है ये क्या करता है, सभी ICs को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग का जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है कि SDA सीरियल डेटा और SCL सीरियल क्लॉक और डेटा के माध्यम से जितने भी ये आपकी चार्जिंग IC, पावर IC, EMMC IC, सेंसर या WTR और अदर भी ICs हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, तो कई बार क्या होता है, ये जितनी भी लाइनें होती हैं इनमें जो है ना SCL यानी क्लॉक और SDA यानी कि सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा लाइन ब्रेक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, उसकी वजह से फ़ोन आपका हैंग ऑन लोगो होता है। या इनके बीच में लगे हुए रजिस्टर, इन लाइनों के बीच में क्या लगे रहते हैं, रजिस्टर लगे रहते हैं, उन रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, हाई या लो हो जाती है, इसकी वजह से फ़ोन आपका हैंग ऑन लोगो की प्रॉब्लम में आता है, एक लाइन में अगर हम बात करें तो। ओके, तो अब जब हमको हमारे पास जो फ़ोन आता है हैंग ऑन लोगों की समस्या हार्डवेयर से अगर है तो हार्डवेयर में आपको क्या चेक करना है कि आपको कुछ नहीं चेक करना, सिर्फ पावर IC, चार्जिंग IC, WTR, EMMC और सेंसर और भी जो IC हैं उनमें सिर्फ आप ये चेक करिए कि जो इनके बीच में लगे हुए जो कंपोनेंट हैं, रजिस्टर हैं या कैपेसिटर हैं, ओके, या अदर कोई कंपोनेंट लगे हैं, ज़्यादातर रजिस्टर देखने को मिलते हैं, इनकी जो है वैल्यू क्या है। अगर रजिस्टर यहाँ पर मान लीजिए ये 2.2 किलो ओम का है और 2.2 किलो ओम का है तो इसकी जो वैल्यू मल्टीमीटर से आप ओम रेंज पे चेक करेंगे तो ये यहाँ पे उतना होना चाहिए। इसके अंदर भी कई बार जीरो ओम के जो है रजिस्टर लगे रहते हैं जीरो वैल्यू के, तो आपको वो जीरो वैल्यू वहाँ पे है कि नहीं है आपको ये चेक करना रहेगा। तो ये जो CPU होता है वो सभी ICs से क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है और एरर वगैरह जो होता है वो शो करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कोई भी लाइन ब्रेक हो जाती है इनमें, इन कंपोनेंट में ओपन कंपोनेंट हो जाते हैं या कंपोनेंट शॉर्ट हो, स्टार्टिंग से एक एक करके चेक करना है ये लाइनें। अब ये लाइनें कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सर्किट की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप हैंग ऑन लोगों को आसान तरीके से बिल्कुल रिपेयर कर सकते हैं
क्लॉक और डेटा की लाइन को आपको ट्रेस करना है, इनके बीच में जो कंपोनेंट लगे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि वीवो की जो न्यू सिक्योरिटी होती है उसको अनलॉक करते टाइम हम क्या करते हैं, सीएलके वाला पॉइंट, सीएलके यानी क्लॉक वाला पॉइंट को हमको क्या करना पड़ता है, जो जम्पर करना पड़ता है, जम्पर करके हमको क्या इसको टच कराना पड़ता है ग्राउंड से। तो जब ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं कई बार क्या होता है कि इसके बीच में जो इसकी वैल्यू का जो रजिस्टर लगा होता है क्लॉक के वैल्यू का, इसकी जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू हाई हो जाती है या फिर लो, मतलब हाई हो इसकी वैल्यू हाई हो जाती है तो ये हैंग ऑन लोगो हो जाता है या फिर डेड हो जाता है। तो आपको ये रजिस्टर की वैल्यू उस सेक्शन में चेक करनी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आईएसपी करते हैं, आईएसपी पिन आउट, आईएसपी पिन आउट जब हम करते हैं तो भी हमें सीएलके की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सीएलके वाले पॉइंट को हमें जम्पर लगाना पड़ता है। और कई बार आईएसपी पिन आउट करते समय हमारा फोन डेड हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हमें चेक करना है इनकी सप्लाइयां, ओके, कि कितने रीडिंग्स है ओके आ रही। अब हमको क्या करना है, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको ये दिखाते हैं कि ये चीज़ें चेक कैसे करनी है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वीवो, ओप्पो, रियलमी, कोई भी हो, अगर आप ये लाइनें अगर आपको चेक करना आता है तो आप हैंग ऑन लोगो की समस्या को, हार्डवेयर वाली को एकदम परफेक्ट तरीके से कर लेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम चीज़ें देख सकते हैं, कितनी वैल्यू क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम यहाँ पर ये पीसीबी आप जो देख रहे हैं ये वन प्लस थ्री टी की है और यहाँ पर इसका लेआउट दिया गया है और यहाँ पर इसका डायग्राम वगैरह दिया गया है। ओके, तो चलिए हम आपको समझाते हैं, एक सेक्शन हम कोई आपको दिखा देते हैं, बाद बाकी आप सारे सेक्शन को काम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेटा और क्लॉक की लाइन चेक करते हैं तो आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बोर्ड पर नहीं बता पाया था, बट यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर वन प्लस का ये है बैटरी कनेक्टर, थोड़ा नया सिस्टम इसका है, थोड़ा ये भी इसलिए मैंने ये बैटरी जैक लिया है क्योंकि जो अभी तक हम लोगों ने जो 4G वाले फ़ोन में जो देखा था कि जो बैटरी के जैक में एक प्लस और एक माइनस और एक आईडी और एक थर्मल की लाइन होती थी, बट इस वाले फ़ोन के अंदर वन प्लस 3T के अंदर आईडी और थर्मल की लाइन ना होकर ये कंट्रोलिंग सीधा सीपीयू ने जो है ले लिया है। यहाँ पर डेटा और क्लॉक दोनों क्या है सीपीयू से कंट्रोल रहे हैं बैटरी के अंदर के, बैटरी जैक भी दोनों ले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बैटरी SCL और यहाँ पे एक बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, इसके बाद सप्लाई CPU को गई है, इसके बाद SDA डाटा है और इसके बीच में एक ये रजिस्टर लगा है, बट हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है कि कितने वैल्यू का है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इतना तो हमको दिख रहा है कि भाई हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसका लाइनिंग इधर से लेके इधर पे आ गई है, ओके, ये डायरेक्ट CPU में आई है, आप देख सकते हैं CPU में। बट अब इसको हमको देखना है जैक पे कि इस जो रजिस्टर यहाँ पर लगा है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम आते हैं लेआउट पे, लेआउट में हम बैटरी जैक को थोड़ा जूम करते हैं, इसका नंबर देखते हैं। तो ये हमने डबल क्लिक किया इसको, ये कॉपी हो गया, हम लोग सर्किट पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड, नेक्स्ट, ओके। ये आ गया, तो ये हमारा है बैटरी कनेक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा। और थोड़ा यहाँ पे और जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन है वीबैट की, ओके, और ना और लाइन है क्या आपकी ग्राउंड की है, और बीच में देखिए पिन नंबर दो, एक और दो तो जुड़ी हैं, पिन नंबर तीन जो है ये SCL है, यानी यहाँ पे देखो लिखा भी है ID, और पिन नंबर फोर यानी टेम्परेचर यानी SDA डेटा और क्लॉक की लाइन है, ओके। अब अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें आप देखो ध्यान से एक एक कैपेसिटर लगे हैं दोनों के अंदर, ठीक है, बट ये पैलर में है, ये तो शॉर्टिंग से पता चल जाएगा अगर हमें फ़ोन शॉर्ट होगा। बट यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर जो दो लगे हैं ये 100 ओम के रजिस्टर लगे हैं, अगर इनकी वैल्यू घटती या बढ़ती है तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके फ़ोन के अंदर हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आएगी, कई बार फ़ोन डेड भी हो जाते हैं। इसी तरीके से इस रजिस्टर जैसे यहाँ पर हमने चेक किया इधर ये, तो ये 100 ओम के हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं ओम रेंज पे, ओके। ऐसी तरीके से आप जैसे मान लो पावर IC है, कहाँ पे लगी पावर IC, पावर IC को सर्च करिए और इसके बाद आप डेटा क्लॉक की लाइनें चेक करिए, क्या उसके बीच में कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं, ओके। ऐसे ही आप जो है अगर पावर IC दूसरी लगी है, सेकेंडरी IC या किसी 5G फ़ोन में 3 IC लगी, 4 IC लगी है, बट आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर जो है रखना है कि आपको डेटा और क्लॉक की लाइनें
चेक करनी है, उनके बीच में जो रजिस्टर लगे हैं सीरीज़ पे उनकी वैल्यू जो है सर्किट से पता चलेगी कम और ज़्यादा की। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, आप एक एक करके इनसे कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बट हम वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। और मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे वीडियो में क्या कमी रहती है कमेंट करिए, ताकि हम जान सकें और हम उस चीज़ को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके।